वेलकम टू जीरो आईएस। जीरो आईएस में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे आपको पता है, हम लोग ईपीएफओ टेस्ट सीरीज के थ्रू दोस्तों सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अकाउंटिंग, लेबर लॉ कंप्लीट कर लिया है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, कंप्लीट कर लिए हैं। साइंस में केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्यूटर हो चुका है दोस्तों, ठीक है। आज मैंने आपको ऑडिटिंग कंप्लीट करवा दिया। अभी हम लोग गवर्नमेंट स्कीम को दोस्तों मात्र 15 पेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट वन है जिसमें 7 पेज है। एक और पार्ट आएगा दोस्तों जिसमें 7-8 पेज होगा, और टोटल 15 पेज में आपका गवर्नमेंट स्कीम जो साल भर न्यूज़ में रहे हैं वो सब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक तरफ इंग्लिश वाला पीडीएफ है, एक तरफ हिंदी वाला पीडीएफ है। मेरे द्वारा जितने भी पीडीएफ दोस्तों दिए जाएंगे और सभी टेस्ट सीरीज जितना भी दिया जाएगा, सभी को आप मात्र जो है 99 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब 99 रुपीज़ अगर आप देते हैं तो सारे पीडीएफ और ईपीएफओ टेस्ट सीरीज आपको दोस्तों उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और जिसको टेस्ट सीरीज या पीडीएफ नहीं चाहिए वो जो है फोटो खींच के आराम से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और जिसको चाहिए वो ज्वाइन कर सकता है। किस तरह से ज्वाइन करना है इस लेक्चर के अंत में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो आईएएस का चैनल। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बनवाल है, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये मेरे यूपीएससी जब मैं इंटरव्यू दे रहा था उस टाइम का फोटो है, ठीक है। तो एक तरफ मेरा इंग्लिश का पीडीएफ है, एक तरफ हिंदी का पीडीएफ है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, फटाफट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मिनिस्ट्री वाइज लेंगे, ठीक है, मंत्रालय के बाद के अनुसार लेंगे। तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का क्या क्या स्कीम है, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। तो पहला है नमस्ते स्कीम लेके आई है भारत सरकार। नाम है, फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है, उसको नमस्ते बोलते हैं, ठीक है। यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई, ठीक है। तो किसके लिए है, तो शहरी क्षेत्रों में जो सफाई कर्मचारी उनके लिए है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब केंद्रीय क्षेत्र का योजना, पूरा पैसा भारत सरकार देगी। और ये जो पहल है सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है दोस्तों, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन से। मकसद यही है, जो शहरों में सैनिटेशन सफाई कर्मचारी रह रहे हैं उनका जो है पुनरुत्थान करना, ये इनका मकसद है, रिहेबिलिटेट करना, उनको इम्पावर करना, ठीक है। अगला स्कीम जो रिलेटेड है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो सोशल जस्टिस से, उसका नाम है दोस्तों स्माइल 75। क्या नाम है? स्माइल 75 दोस्तों, ठीक है। तो 75 का क्या मतलब है कि 75 जो नगर निगम है दोस्तों वहाँ पे पहचान करना, और जो भी लोग पिछड़े हैं, ठीक है, चाहे जिसमें वो भीख मांग के अपना अगर रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, तो जो गरीब हैं दोस्तों, भिखारी हैं, उनका जो है रिहैबिलिटेट करना, उनका कल्याण का बात करना, उनको जीविका देना ही इस लक्ष्य, इस जो स्कीम का मकसद है। तो जो भी भीख मांग रहे हैं, ठीक है, उनको आजीविका देना और उनको उद्यम देना, ये स्माइल इनिशिएटिव का मकसद है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आता है दोस्तों, ठीक है। अगला जो है हमारा स्कीम है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी एन टी मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब, जो बहुत आदिवासी जनजाति जो बहुत पिछड़े हैं दोस्तों, बहुत पिछड़े, उनके लिए स्कीम है दोस्तों, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। आपको लग सकता है कि यार ये जो होगा जनजातीय मंत्रालय का होगा, लेकिन नहीं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, ठीक है। तो जो भी डीनोटिफाइड नोमैडिक और खानाबदोश और अर्ध घुमंतू समुदाय हैं उनके लिए है। इनका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसका बन सकता है स्कीम का भागीदारी? तो सबसे पहले तो वो डीएनटी ट्राइब होना चाहिए, उनका जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, और वो और भी कोई योजना का स्कीम लाभ जो है नहीं लेना चाहिए जो ये वाला योजना देता है, ठीक है। इस योजना में आपको कोचिंग दिया जाएगा, ठीक है, आपको सिखाया जाएगा पढ़ाने वढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ बेनिफिट है, आपको घर दिया जाएगा, और इस स्कीम का कार्यकाल दोस्तों 5 साल है, ठीक है। और इसको, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट जो है सरकारी न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कर रही है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कर रही है दोस्तों, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी कर रही है ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, ठीक है। तो ये था हमारा डीनोटिफाइड ट्राइब के लिए स्कीम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीड, स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब, ठीक है। आगे देखिए, PM यशस्वी स्कीम है, यशस्वी का फुल फॉर्म है यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, ठीक है।
तो एस मतलब वाई मतलब यंग, ए मतलब अचीवर, एस मतलब स्कॉलरशिप, ऐसे करके है। किसके लिए है? ओबीसी, ईबीसी और डी नोटिफाइड ट्राइब के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसका पात्रता है? तो वही इसका पात्रता है जो सरकारी स्कूल में 9वां और 11वें कक्षा में पढ़ रहा है, सो ठीक है। और ओबीसी, ईबीसी और डी नोटिफाइड ट्राइब कराना चाहिए। एनुअल इनकम उसके फैमिली का 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कोई भी योजना का वो लाभ नहीं लेना चाहिए जो ये योजना देता है, ठीक है। इसके लिए उनका एक एग्ज़ाम किया जाएगा जिसको यशस्वी टेस्ट कहेंगे, और उस एग्ज़ाम को कंडक्ट जो है एनटीए करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोस्तों। और इस स्कीम को फंड करेगी, फंड मतलब पैसा कौन देगा, तो राज्य सरकार द्वारा इसको फंड दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे स्कीम है जो हमारा, उसका नाम है पीएम उत्कर्ष। बस यही जानना है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में ये आता है दोस्तों, ठीक। दिव्य कला शक्ति एक स्कीम है दोस्तों, जो भी दिव्य लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, वो अपने कला का प्रदर्शन करेंगे एक मेला में, तो विकलांगता विकलांग लोगों के लिए ये स्कीम है, ठीक है। तो ये सारे स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में एम्पावरमेंट में था। अब हम देखते हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय में क्या क्या योजना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले तो मिशन सक्षम जो है आंगनबाड़ी है, मतलब जो आंगनबाड़ी है उसको हम लोग क्या करेंगे, सक्षम करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है अगला स्कीम है ICDS है, एकीकृत बाल विकास सेवा और पोषण अभियान है दोस्तों, ठीक है। पोषण अभियान है, महिला एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम है दोस्तों, और नेशनल क्रेच स्कीम है, क्रेच मतलब होता है शिशु गृह, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में दोस्तों आता है, ठीक है। हाल ही में घर गो होम एंड रीयूनाइट, ये बच्चों लोग के लिए, किन बच्चों के लिए, तो जिनका अवैध व्यापार होता है उस बच्चों को बचाना और उनको वापस जो है बसाना, ये स्कीम का दोस्तों मकसद है, ठीक है। ये भी किसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ऑपरेशन मेघ चक्र तो CBI चलाया है दोस्तों, क्यों चलाया है, तो जो यौन शोषण होता है, बाल शोषण होता है, तो उनका जो सामग्री होता है, जैसे कि आप जो गलत गलत मूवी होता है, तो उनका रोकना इस भारत का जो सरकार है CBI के थ्रू जो है ऑपरेशन मेघ चक्र जो है लेके आई है, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन इनिशिएटिव, तो बस आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण पहल जो है वो किसका है दोस्तों, इंटरपोल का है। कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कौन है इसका, इंटरपोल, याद रखिएगा, इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्स एक्सप्लाइटेशन, ठीक है। तो ये हमारा स्कीम था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। अब हम देखेंगे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से क्या क्या स्कीम है। तो सबसे पहले गोल 2.0 है, लक्ष्य नहीं है, स्कीम का नाम है गोल 2.0। गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो इस स्कीम के थ्रू जो भी ट्राइबल्स होते हैं दोस्तों, जो जनजातीय होते हैं, उनको जो है कौशल विकास करते हैं ताकि वो जो है ऑनलाइन अपने को सामान उमान अपना आसानी से बेच पाए, ठीक है। तो ये किसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जनजातीय मंत्रालय और फेसबुक के थ्रू जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और पूरा इसका पैसा जो है फेसबुक इंडिया देता है दोस्तों, ठीक है। तो मकसद यही है कि जो ट्राइबल्स हैं वो आसानी से अपना व्यापार कर पाएँ, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो अपना सामान ऑनलाइन रूप से बेच पाएँ, लीडरशिप स्किल उसमें बिल्ड किया जा सके, ठीक है। अगला देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का, वो है आदि महोत्सव, ठीक है। तो आदि महोत्सव दोस्तों हाल ही में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है दिल्ली में दोस्तों मनाया गया, ठीक है। ये जो वार्षिक पहला एनुअल फेस्टिवल है किसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के जो अंदर में एक संस्था आती है दोस्तों, जिसका नाम है ट्राइफेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड, तो उसका ये स्कीम है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये क्या है। तो ये था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से। आप देखते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से क्या क्या स्कीम है। तो वन क्लास वन चैनल है, तो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है 200 चैनल को लॉन्च किया जाएगा, जहां पे सभी बच्चों को स्कीम ये जो है पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है PME विद्या, जो इलेक्ट्रॉनिक विद्या स्कीम है भारत सरकार का, उसके अंदर 2 पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। पहला पोर्टल का नाम है दोस्तों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और दूसरा पोर्टल का नाम है जिसको दीक्षा बोलते हैं, और दूसरा पोर्टल का नाम है निष्ठा। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। तो दीक्षा में क्या हो रहा है, नॉलेज का शेयर किया जाएगा, मतलब एक कॉलेज कितना अच्छा से एक स्कूल दूसरे स्कूल का नॉलेज शेयर करेगा, और निष्ठा में टीचर लोगों और स्कूल का जो हेडमास्टर है उसका हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। और ये सारे चीज़ है वन क्लास वन चैनल के अंदर में आता है, जो खुद एक PME विद्या योजना के अंदर में आता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे है डिजिटल यूनिवर्सिटी दोस्तों बनाया जा रहा है, जिसमें UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है
क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी यही है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी में सीट का कोई लिमिटेशन नहीं होगा, पढ़ाई ऑनलाइन होगा और कोई भी इसमें पढ़ सकता है, जो 12 जिसको भी जो भी 12वीं पास कर चुका है वो इसमें पढ़ सकता है और सीटों की कोई संख्या नहीं है। और ये किसका स्कीम है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसमें UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक बड़ा रोल प्ले करेगी, ठीक है। अगला है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम दोस्तों किसके लिए है, तो एडल्ट एजुकेशन के लिए। एडल्ट मतलब जो भी व्यक्ति 15 साल या उससे ऊपर उम्र का है और जो भी जो है पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनके लिए न्यू इंडिया लिटरेसी स्कीम भारत सरकार जो है लेके आई है, ठीक है, उनको पढ़ाने के लिए जो अशिक्षित हैं और उनका उम्र 15 साल से ऊपर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए PM श्री, एक जो है नया टाइप का स्कूल लेके आया है भारत सरकार, ठीक है। श्री का मतलब है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। इसमें से जितने भी भारत में 14,500 स्कूल हैं, ठीक है, उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा 2020 में लाया गया है उसमें 14,500 स्कूल को एक मॉडल स्कूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसका कार्यकाल दोस्तों 5 साल का है, 2022-23 से लेके 2026-27 तक, ठीक है। तो याद रखिएगा PM श्री में 14,500 जो स्कूल हैं उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ट्रांसफॉर्म करेंगे और 5 साल का दोस्तों स्कीम है, ठीक है। आगे है हमारा स्कूल इनोवेशन काउंसिल दोस्तों, ठीक है। तो स्कूल इनोवेशन जो काउंसिल है वो एक संगठन है, किसका है, टीचर का है, स्टूडेंट का और एक्सपर्ट का है, जो इंडस्ट्री से और एकेडमी से, ताकि बच्चों में जो है इनोवेशन का स्किल को हम लोग डेवलप कर पाएँ। साल भर इसका ऑलराउंड एक्टिविटी का ट्रेनिंग होगा दोस्तों, और इसके लिए स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शामिल इसमें किया गया है, ठीक है, ताकि बच्चों में जो है नवाचार ये सब को हम लोग प्रमोट कर पाएँ, ठीक है। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लास्ट स्कीम है युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, मतलब ऐसे ऑथर जिसका उम्र 30 साल से कम है और वो युवा है, अगर वो कोई बुक लिखता है दोस्तों तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो उसे के लिए ये स्कीम है, ठीक है। इसी स्कीम को इम्प्लीमेंट जो है नेशनल बुक ट्रस्ट कर रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आती है। इस स्कीम का पात्रता होने के एलिजिबिलिटी होने के लिए आपको 30 साल से कम उम्र होना चाहिए, और अगर आप ये स्कीम में के तहत जीत जाते हैं तो आपको नेक्स्ट 6 महीना तक 50,000 रुपये हर महीना मिलेगा दोस्तों, और जो आपका बुक होगा उसको अन्य भाषाओं में भी उसका अनुवाद किया जाएगा, ट्रांसलेशन किया जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का क्या क्या स्कीम है। तो देखिए दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पहला स्कीम है, बस नाम उसमें याद रखिएगा, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। बस ये पूछ देगी कौन सा मंत्रालय के अंदर में है आत्महत्या रोकथाम नीति रणनीति वाला, तो याद रखिएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ठीक है। एक और है टेली मानस। मानस का मतलब क्या होता है, मेंटल हेल्थ। जो लोग मानसिक रूप से मतलब उनको बीमारी अगर कुछ है या दिक्कत है तो उनके लिए टेली मानस है, जो एक कर्नाटका और ये जो भारत सरकार लेकर आई है, ताकि आपको ऑनलाइन क्या करेंगे, काउंसिलिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और कर्नाटका इसके पहले एक स्कीम लेके आई थी ई मानस, उसी के पहल पे भारत सरकार ने पूरे भारत में टेली मानस लेके आई है, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा हेल्थ से, ठीक है, उतना स्कीम नहीं है हेल्थ से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो आयुष मंत्रालय है दोस्तों, आयुर्वेद यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी उनके लिए जो मंत्रालय उसको आयुष मंत्रालय बोलते हैं, तो इसने आयुष ग्रिड करके लेके आया है। इसमें क्या करेगा, जो भी सर्विस डिलीवरी करते हैं हम लोग आयुष मंत्रालय के तहत, सबको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। जितने भी आयुर्वेद के दुकान उकान है भारत सरकार का, होम्योपैथी का है, सबको आपस में जोड़ देंगे, ताकि जो है डिजिटल सर्विस सबको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। ये भारत सरकार का स्कीम है, केंद्र सेंट्रल सेक्टर है में है, केंद्रीय क्षेत्र योजना है, मतलब पूरा पैसा 100% पैसा भारत सरकार देगी। और इस स्कीम के तहत 3 अवयव है, 3 कंपोनेंट है, एक है आयुष मेडिकल टूरिज्म पोर्टल, एक है AHMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ए मतलब आयुर्वेदा और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक औषधि, जिसमें जितने भी आयुर्वेद मेडिसिन होम्योपैथी का उनका हम लोग ट्रैक करेंगे कि कितना हमारे पास स्टॉक में है और कितना जो है खर्चा वर्चा हो रहा है। तो ये आयुष ग्रिड था दोस्तों, आयुष मंत्रालय में एक ही स्कीम था जो साल भर न्यूज में था। अगला हम देखते हैं पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो वो एक स्कीम लेकर आई दोस्तों जिसका नाम है मिस्टी, पूछ सकता है आपसे, मिस्टी का फुल फॉर्म है एम फॉर मैंग्रोव, आई फॉर इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि मैंग्रोव के लिए, ठीक है, तो मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करेंगे और आसपास के लोगों को रोजगार भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ जो तटस्थ एरिया है, तटीय एरिया है, उसको भी बचाएंगे, ठीक है। तो 11 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी में हम लोग इसको लेके आ रहे हैं, किसका, तो मिस्ट्री स्कीम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का दोस्तों, ठीक है।
एक है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, यह भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दोस्तों लेके आई है। इसमें उन सारे शहरों को कवर किया गया है, ठीक है, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर के अंदर में आते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें 131 शहरों को दोस्तों कवर किया गया है, ठीक है, और इसका उद्देश्य यही है कि स्वच्छ वायु वहाँ पे हम लोग प्रमोट करते हैं। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है प्राणा। प्राणा का मतलब पी फॉर पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन नॉन अटेनमेंट शहर। तो जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था उसमें कुछ शहरों को टारगेट किया गया था, जो शहर उस टारगेट को कम्प्लीट नहीं कर पाए तो उन शहरों पर निगरानी रखने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है प्राणा पोर्टल दोस्तों। तो ये है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, 131 शहरों को इसमें कवर किया जाएगा। अगला है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म बोलते हैं दोस्तों, मतलब सभी प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म बनाया जाए ई नैम के लिए। ई नैम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, जिसको पूरी तरह से फंड करेगा भारत सरकार। इसका मकसद यही है कि जितने भी इंडिया में, ठीक है, भारत में जितने भी कृषि के लिए मार्केट है, जो बाज़ार है, सबको एकजुट कर देना, एक जगह जोड़ देना, वह उसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म फॉर ऑफ प्लेटफॉर्म्स ई नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में आती है। तो फुल फॉर्म इसको शॉर्ट में बोलते हैं MIIRA, मीरा, ठीक है, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। मकसद यही है मिलेट के लिए, ठीक है, लोगों को अवेयर करना, ठीक है। तो इंडिया जो है इसको सोच रहा है कि इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, ठीक है। इसका जो सेक्रेटेरिएट होगा दोस्तों, सचिवालय होगा, वो कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, ठीक है। और इसके लिए इंडिया जो है पैसा सब देशों से कलेक्ट करेगा, जितने भी G20 सदस्य हैं, जिसमें G20 में कितने देश हैं, 19, और एक यूरोपियन यूनियन है, टोटल 20 हो गया। तो वो 20 देश जो है इसमें सदस्यता शुल्क देंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, यहाँ बाजरा नहीं लिखेंगे, मोटा अनाज जो है, मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया है 2023 को, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब हम अगला स्कीम देखेंगे दोस्तों, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ, जो मंत्रालय के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो इसके लिए एक सागर परिक्रमा करके जो है भारत सरकार एक स्कीम लेकर आई है। तो जितने भी मछुआरे हैं, ठीक है, तो उनके लिए, ठीक है, ये स्कीम है जहाँ पे हम लोग जो है पूरा इंडिया में जितने भी मछुआरे हैं कोस्टल एरिया में जो रहते हैं तटीय क्षेत्र में, उनके प्रति जो है एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए सागर परिक्रमा स्कीम जो है दोस्तों भारत सरकार लेके आई है, ठीक है। तो ये एक ही स्कीम था जो न्यूज में था। अगला स्कीम है मंत्रालय का जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है। तो ये क्या क्या स्कीम लॉन्च करती है, बस इतना ध्यान में आपको रखना है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लेके आ रही है, जहाँ पर पूरे भारत में एक फर्टिलाइजर कंपनी का जो है सामान बिकेगा, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लेकर आई है, जहाँ पे भारत सरकार जो है खुद, ठीक है, अपने ब्रांड का, भारत के ब्रांड का उर्वरक जो है फर्टिलाइजर लॉन्च करेगी, जिसका ब्रांड होगा भारत और उसमें लोगो जो होगा PM BJP, भारत जन उर्वरक परियोजना, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार जो है दोस्तों जो यूरिया का है उसका मैक्सिमम प्राइस जो है फिक्स करती है, ठीक है, यूरिया का, और बाकी का जो गैर यूरिया उर्वरक है, ठीक है, उसके MRP पे भारत सरकार कोई कंट्रोल नहीं रखती है। मतलब यूरिया का प्राइस भारत सरकार कंट्रोल करती है, लेकिन बाकी जो उर्वरक हैं उसका भारत सरकार कंट्रोल नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा था रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अब हम लोग अगला मंत्रालय देखेंगे दोस्तों, जिसका नाम है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोस्तों। तो देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2023 का 2013 का है दोस्तों। इसके तहत आपको पता है कि 2000 जनगणना के अनुसार गांवों से 75% लोगों और शहर से 50% लोगों और पूरे भारत का 2/3 जनसंख्या इसमें कवर होता है। इसमें जो अंत्योदय अन्न योजना होता है, जो गरीबों में गरीब हैं उनके लिए 35 किलो अनाज एक परिवार को दोस्तों मिलता है, और नॉर्मल केस में एक आदमी को 5 किलो अनाज मिलता है दोस्तों, 1 रुपया किलो आपका चावल, 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 रुपया किलो मोटा अनाज, ये आपको मिलता है दोस्तों, ठीक है।
उल्टा बोल दिया, चावल 3 रुपया, गेहूँ 2 रुपया, मोटा अनाज 1 रुपया किलो आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ भोजन और मातृत्व लाभ भी देता है दोस्तों, तो कितना देता है, 6,000 रुपया, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि जो भी महिला, ठीक है, का बर्थ बच्चे को जन्म देती है उसके 6 महीने तक जो है उनका ख्याल रखा जाता है, और जो भी बच्चा होता है उनका भी ख्याल रखा जाता है, ठीक है। और उस महिला को, ठीक है, 6,000 रुपया दोस्तों दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। जो प्रेग्नेंट होती है और जिनका जो बच्चा एज होता है वो 6 महीना से कम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो भी बच्चे 14 साल तक कम होते हैं उनके लिए भोजन का इंतजाम रहता है, और जो भी, और इस योजना में बोला गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कि राशन कार्ड जारी करने के लिए लाभार्थी परिवार की जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी वो 18 साल से या उससे ऊपर होगी, मतलब उसी के नाम पे आपको राशन कार्ड दोस्तों इशू किया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा भारत सरकार चाहे तो खाद्य सुरक्षा जो है अलाउंस भी दे सकती है, ठीक है, ताकि नॉन सब जो इसेंशियल फूड्स नहीं, फूड ग्रेन या मील के लिए, उनके लिए भी जो दोस्तों पैसा भारत सरकार दे सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है, मतलब भारत सरकार अगर सामान आपको नहीं दे रही है, दे पा रही है, तो उसके लिए पैसा भी दे सकती है, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा गया है। उपभोक्ता मंत्रालय एक और इसका स्कीम है दोस्तों, जिसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। इसमें 5 किलो अनाज जो है एक आदमी को 1 महीना में दिया जाता है, ठीक है, जो 2 रुपये 3 रुपये तो दिया जाता है, इसके अलावा एडिशनल इतना दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इस योजना में 80 करोड़ भारतीय हैं जो हैं कवर हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर उपभोक्ता मंत्रालय। अगला जो योजना है दोस्तों वो है जल शक्ति मंत्रालय का, तो सुजलम 2.0 है, सु मतलब अच्छा और जल मतलब पानी। तो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, तो सुजलम मतलब क्या समझेगा, अच्छा पानी। तो जो भी खराब पानी होता है, नदी नाला का जो भी गंदा पानी होता है उसको हम लोग प्योरीफाई कर रहे हैं दोस्तों, और ठीक है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से यूज कर लेंगे, इसी का नाम है सुजलम। तो जो भी किचन का पानी होता है, लॉन्ड्री का होता है, बाथिंग का होता है, वो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस करके उसको अच्छा करेंगे, उसको नाम है सुजलम 2.0, ठीक है। अगला है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, भू मतलब ग्राउंड वाटर, ग्राउंड, जल मतलब वाटर। तो जो ग्राउंड वाटर है दोस्तों उसको जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम लोग रिचार्ज कर रहे हैं, दोबारा पानी उसमें भर रहे हैं, और ये जो योजना है दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अंदर में है, ठीक है। और इसमें वर्ल्ड बैंक जो है शायद मेरे हिसाब से 6,000 करोड़ रुपया दे रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार दोनों मिलकर, ठीक है। और ये भारत के कुछ राज्यों में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि जहाँ पर ग्राउंड वाटर का दिक्कत है, भूजल का दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। अगला जल शक्ति मंत्रालय के अंदर में है वाटर विजन 2047। इसमें क्या कर रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है दोस्तों, पहला ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, ठीक है, अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, जिसको जिसका थीम है दोस्तों विजन @2047, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये वाला जो पहली बार जो अलग अलग राज्य का जो मंत्री है, ठीक है, जल मंत्री, उसका जो सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, भोपाल, और भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है, ठीक है। इसी में 5P विजन, 5P मतलब 1P का अलग अलग डेफिनेशन होगा, तो 5P विजन इसी में दिया गया है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। विजन, वाटर विजन 2047 भोपाल में कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर का, वहाँ पे 5P विजन और जो है वाटर विजन 2047 लाया गया था, ठीक है। इसका बेस्ट जो प्रैक्टिस है उसी के अंदर में जल शक्ति अभियान है, कैच द रेन एंड जल इतिहास करके हम लोग ये सब लेके आए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, धारा 2023, ठीक है, धारा का फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, ठीक है। उसके लिए पुणे में इसको स्टार्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया था इसको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ने, ठीक है। ये भी जो अर्बन 20 इनिशिएटिव है, हम लोग देखेंगे अर्बन 20 इनिशिएटिव क्या है, उसी के साथ ये तालमेल रखता है दोस्तों, ठीक है। उसके धारा 2024 जो होगा, ये 2023 पुणे में होगा, 24 जो होगा दोस्तों ग्वालियर और मध्य प्रदेश में होगा। आपसे पूछ सकता है कि 23 वाला पुणे, 24 वाला ग्वालियर, 23 वाला पुणे, 24 वाला ग्वालियर, ऐसे करके याद कर लो गाना बना के। फिर अर्बन 20 U20 इनिशिएटिव क्या है दोस्तों, तो जो भी G20 सदस्य है ना उनका ये इंगेजमेंट ग्रुप है, जहाँ आपस में ये लोग मिलते हैं, ठीक है। और शहर का जो भी विकास होता है उससे रिलेटेड मुद्दा, क्लाइमेट चेंज से मुद्दा, सामाजिक
जो है सम्मेलन पे ये लोग चर्चा करते हैं, सामाजिक समावेश पे। ठीक है, समझ में आ गया। 2023 में U20 का कॉन्फ्रेंस दोस्तों कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। ठीक है, आपको पता है G20 का मीटिंग हो रहा है तो उसी का U20 बोलते हैं, जो उसका मीटिंग अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, अगला है रिवर सिटीज अलायंस, RCA। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया और इसको अलायंस को शुरू किया था, ये दोनों NMCG और NIOE। ठीक है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है, इसमें आवास और शहरी मंत्रालय भी इसमें सहयोग निभाती है। ठीक है, मकसद यही है 30 शहर जो है अभी इसमें शुरू में कवर थे, अभी 95 शहर इसमें कवर है। ठीक है, और इसमें जो है जो अब रिवर सिटीज है तो ऐसे शहर जो नदी के किनारे है उस वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया रिवर सिटीज अलायंस। ठीक है, आगे है सपोर्ट फॉर इरिगेशन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम SIMP, सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता। ठीक है, इसको सेंट्रल वाटर कमीशन जो केंद्र जल आयोग है दोस्तों वो लॉन्च किया है। इसमें इसका जो इसमें जो तकनीकी सहायता देता है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसको जो क्रियान्वयन करता है एग्जीक्यूट करता है उसको वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, अगला है दोस्तों ये लास्ट है हमारा वाटर रिसोर्स का मंत्रालय का जल मंत्रालय का जल शक्ति का, तो ड्रिप Phase 1, Phase 2 and 3 है। तो ड्रिप का फुल फॉर्म है दोस्तों डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो जो भी डैम है टूटे फूटे उसको बनाना और मरम्मत करना इनका काम है। वर्ल्ड बैंक इसमें पैसा देती है दोस्तों, 2012 में ये लॉन्च हुआ था, अभी इसका दूसरा फेज और तीसरा फेज चल रहा है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा डैम का, तो सबसे ज़्यादा डैम तो दोस्तों वो हमारा चीन में है, फिर अमेरिका और इंडिया। तो यहाँ पे आप लिख लो सबसे ज़्यादा डैम चीन में है। ठीक है, चीन में, फिर है उसके बाद आपका अमेरिका, और डैम के मामले में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर, यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ख़त्म। अब हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, तो ICON 25 इंडस्ट्री कनेक्ट, जिसको आई कनेक्ट बोलते हैं दोस्तों, तो ये हम लोग मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का क्या क्या साइंस एंड टेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या क्या हम लोग का उपलब्धि है उसको हम लोग दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मनाया गया ICON 25 इंडस्ट्री। ठीक है, ये हो गया। उसका नेक्स्ट है मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी। ठीक है, तो इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम जो है इनोवेटिव इनोवेशन रोडमैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे अनाउंस किया है कि हम लोग मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी बनाएंगे, कहाँ पे? तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम हुआ है दोस्तों, पहली बार हुआ था 2022 में। ठीक है, पिट्सबर्ग अमेरिका में, तो वहीं पर भारत ने बोला था कि हम जो है मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी बनाएंगे, मतलब ऐसा रिफाइनरी जहाँ पर बायोटिक रिसोर्सेज को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, समझ में आया। तो मिशन इंटीग्रेटेड जो बायो रिफाइनरी है दोस्तों, ठीक है, वो जो है मिशन इनोवेशन इसको लॉन्च की है, याद रखिएगा आप। तो भारत ने क्या अनाउंस किया था कि हम इनोवेशन रोडमैप मिशन लेके आएंगे बायो रिफाइनरी के लिए, जो इसके साथ तालमेल रखेगा मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी के साथ। और जो मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी है इसको लॉन्च किया है मिशन इनोवेशन ने लॉन्च किया था, इसमें भारत ने और नीदरलैंड ने सहयोग दिया था दोस्तों, तो उसके नेतृत्व में ये किया है। ठीक है, अगला देखिए, फिर हम लोग देखिए मिशन इनोवेशन। हम लोग देखिए मिशन इनोवेशन के अंदर मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी आया, तो मिशन इनोवेशन क्या है? तो मिशन इनोवेशन जो है 22 देशों और यूरोपियन कमीशन का एक जो है अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक क्या है इनिशिएटिव है। ठीक है, क्या है दोस्तों? एक वैश्विक पहल है जो इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब अंतर सरकारी मंच है। ठीक है, और भारत इसका सदस्य है। ठीक है, तो मिशन इनोवेशन के बारे में ये जानकारी था। अब हम देखेंगे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बारे में। तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, ठीक है, इसमें क्या है, ये कंपेन है जहाँ पे हम लोग जो सागर है, सागर मतलब ओशियन, तो आपको पता है भारत में 7500 किलोमीटर जो है कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो उसको साफ सुथरा रखने का जो है एक पहल है। ठीक है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, ठीक है, ताकि सागर में जो अगल बगल मछुआरे रहते हैं वो भी सुरक्षित रहें और सागर भी स्वच्छ रहे। ठीक है, इसी के लिए हम लोग 17 सितंबर को बोले हैं कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनाएंगे, तो आप याद रख लीजिएगा 17 सितंबर को हम लोग क्या मनाएंगे दोस्तों, इंटरनेशनल क्लीनअप डे। ठीक है, इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया जिसका नाम है इको मित्र लॉन्च किया, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हम लोग
बता पाएँ, अवेयरनेस जनरेट कर पाएँ। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट मंत्रालय दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, तो पुराना जो योजना था उसको इसने क्या किया, पुनरुद्धार किया, नया रूप दिया, जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, उसको इसने रिवाम्प किया। ठीक है, ये मकसद यही है इस योजना का, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना का, कि जो भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो भी हमारा सतत विकास लक्ष्य है, उसके साथ पंचायत के क्षमता को जोड़ना, मतलब पंचायत का क्षमता को विकास करना, किसको ध्यान में रख के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रख के। ठीक है, अगला है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो मिशन जो अमृत सरोवर है, ठीक है, उसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पहला स्कीम है इसका है मिशन अमृत सरोवर। ये एक वाटर कंजर्वेशन मिशन है दोस्तों, पानी को हम लोग इसमें बचाएंगे, और 75 जो वाटर बॉडीज है, 75 जो जल निकाय हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कायाकल्प करेंगे, मतलब उसको अच्छे से हम लोग बेहतरीन करेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से फंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो भी फंड हैं और पहले से, चाहे वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आया गया फंड हो या क्राउड फंडिंग, क्राउड मतलब पब्लिक से ही पैसा हम लोग लेंगे टैक्स के थ्रू या जैसे के थ्रू, तो याद रखिएगा मिशन अमृत सरोवर में 75 वाटर बॉडी को हम लोग पुनरुद्धार कर रहे हैं, कोई अलग से फंड नहीं देंगे, बाकी क्राउड फंडिंग और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फंड आएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है जलदूत ऐप। तो ये पूरे भारत में इसको जो है उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें जो गाँव में जो सिलेक्टेड कुएँ, कुछ कुआँ को हम लोग चिन्हित किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, उन कुआँ में पानी का क्या लेवल है, उसको हम लोग जलदूत ऐप के थ्रू मॉनिटर करेंगे। ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्रालय दोनों मिल के दोस्तों इसको क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, डेवलप किया है। ठीक है, जलदूत ऐप को। ठीक है, अगला है लखपति दीदी इनिशिएटिव, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ जो आयुष मंत्रालय उसका भी है, इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े जो भी महिलाएं हैं उसको लखपति बनाने का है मकसद है, मतलब जितने भी रूरल ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसको मदद करना कि वो आयुष मंत्रालय से जुड़ के जो है अपना पैसा वैसा कमा सकती है। उत्तराखंड सरकार का भी एक योजना है लखपति दीदी योजना, वो भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट मंत्रालय हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको जो है स्कीम से जो भी कन्फ्यूजन होगा आपको क्लियर हो रहा होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एक प्रोजेक्ट लेकर आई दोस्तों, जिसका नाम प्रोजेक्ट निपुण। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर। निर्माण मतलब दोस्तों कंस्ट्रक्शन, जो घर वर बनाते हैं उन वर्कर का अप स्किल करना, मतलब उनको कौशल देना, इसलिए प्रोजेक्ट निपुण हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लेकर आई है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गया, शहरी कार्य मंत्रालय निपुण है श्रमिक वर्कर के लिए। अगला स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। ठीक है, ये भी केंद्र और शहरी मंत्रालय का है दोस्तों। अभी इसका 8वां संस्करण जो है, पता है हर साल होता है और लगभग हर साल टॉप करता है दोस्तों इंदौर। ठीक है, तो उसमें ये 8वां हमारा संस्करण है। ठीक है, एक उसी तरह एक फ्रेमवर्क लेके आया है शहरी मंत्रालय ने, जिसका नाम है अर्बन आउटकम्स फ्रेमवर्क। तो शहर का क्या आउटकम्स है, शहर का क्या परिणाम है, क्या वो रिजल्ट कर रही है, उसको नापने का एक तरीका है, लेकर आई है शहरी मंत्रालय। ठीक है, अगला है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दोस्तों। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है दोस्तों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो लेकर आया है ये कि हर जिला जिसका उत्पाद फेमस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक्सपोर्ट करेंगे, उसको निर्यात करेंगे। इसलिए इस स्कीम को लाया गया कि डिस्ट्रिक्ट जो है एक एक्सपोर्ट हब का काम करे, डिस्ट्रिक्ट जो है एक निर्यात हब के रूप में काम करे। ठीक है, तो ये जो योजना है कहाँ से अपना प्रेरणा लेती है, कहाँ से, तो इसी तरह की एक योजना उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इसको लॉन्च की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और उसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इसको जो है यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए इसको प्रमोट कर रही है। ठीक है, साथ ही साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है एक निर्यात पोर्टल लेकर आई है, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करना, तो एक्सपोर्टर लोगों को मदद करने के लिए पोर्टल लॉन्च करके आई है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट वन था, जिसमें हम लोगों ने 15 पेज में हाफ जितने भी गवर्नमेंट स्कीम थे उसको देख लिया है, आधा और आपका जो है 10 से 15 पेज आएगा, जिसमें साल भर में और भी जो स्कीम्स हैं वो आपका कवर करवा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो मैं आपको बता दूँ जितने भी PDF आपको दिए जाएंगे सभी PDF का कॉस्ट मात्र 99 रुपीज़ है, मतलब एक बार आप 99 रुपया पेमेंट कर दीजिए, फिर जितने भी PDF दोस्तों दिए जाएंगे EPFO के लिए और टेस्ट सीरीज सब आप ले सकते हैं।
ठीक है, मतलब सभी का कॉस्ट 99 रुपीज़ है, ये नहीं कि अलग अलग आपका लिया जाएगा, 99 रुपीज़ में पूरा कवर है दोस्तों, ठीक है। तो आप ज्वाइन करने के लिए टेस्ट सीरीज को आपको UPI ID पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे जो भी यूज करते होंगे उस पे आपको UPI ID पे पेमेंट करना है। तो UPI ID है दोस्तों RAHUL राहुल BARNWAL @YBL, ठीक है, RAHUL BARNWAL @YBL। इस पे आपको कितना पेमेंट करना है दोस्तों, 99 रुपया इतना पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप जो है उसका स्क्रीनशॉट, उसका जो फ़ोटो है आपको टेलीग्राम पे भेजना है। तो टेलीग्राम पे कहाँ भेजेंगे, User ID उसके लिए आपको चाहिए। तो टेलीग्राम पे आपको जो भेजना है उसका User ID है दोस्तों @RBEPFO, सब छोटा में RBEPFO राहुल बनवाल EPFO, उस पर आपको भेजना है। भेजने के बाद फ़ोटो जब भेज देंगे पेमेंट का, ठीक है, तो आपको जो है 2 से 3 घंटा के अंदर आपको टेस्ट सीरीज एक ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे सारे PDF टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा दोस्तों। तो मात्र 99 रुपीज़ कॉस्ट है, जिसको चाहिए वो ज्वाइन कर सकता है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे बाकी के गवर्नमेंट स्कीम हम लोग कवर करेंगे। हम लोग का टारगेट है 15 से 16 तारीख तक आपका पूरा जो है EPFO का आपको सिलेबस जो बचे हुए हैं सबको कम्प्लीट करवा देना दोस्तों, ठीक है। हम लोग परसों जो है इकोनॉमी करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम फिक्स रखें। बाकी जो अकाउंटिंग का बचा हुआ चीज़ है वो हम कंप्लीट करेंगे और सोशल सिक्योरिटी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। बाकी चीज़ हमको लगता है कंप्लीट हो चुका है, मैथ आप अपने हिसाब से कर रहे होंगे और इंग्लिश का जो भी मैंने बताया वो आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है, बस सोशल सिक्योरिटी बचा है, इकोनॉमी बचा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम थोड़ा सा बचा है, बाकी लगभग चीज़ कंप्लीटेड है, ठीक है, और करंट अफेयर थोड़ा बचा है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।